नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तरबूज का शरबत। इस वक्त गर्मियों का सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत सारे फल हमको बहुत आसानी से मिल रहे हैं, और इस समय जितने भी फल मिलते हैं उसमें नेचुरल पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन तरबूज ऐसा फल है जिसमें 92% पानी होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको आप खाकर बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर में नमी हमेशा बनी रहती है। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए तरबूज का शरबत बनाएंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तरबूज का शरबत बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है। तो इसके लिए हमने एक छोटे साइज का तरबूज लिया है और कुछ हमने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। इधर हमने सादा नमक लिया है, थोड़ा सा काला नमक है और ये भुना हुआ जीरा है। तो सबसे पहले हम इस तरबूज को काट लेंगे। इसके हम छोटे पीसेस कर लेंगे। अभी हम इसके और छोटे पीस करेंगे इस तरीके से। ये हिस्सा हम बाहर निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से इसके छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं। हमने तरबूज के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब हम इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो अब हम इस जार में इस तरबूज को डाल देते हैं। एक बार में जार में जितना तरबूज आए उतना ही हमें पीसना है। अब हम इसमें ये पुदीने की पत्तियां डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम ये सादा नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। दोस्तों, कोई कोई तरबूज कभी कभी कम मीठा होता है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं, वरना अगर लाल है तो फिर चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको बारीक पीस लेते हैं। तरबूज हमारा पीस के तैयार हो चुका है और अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ये छन्नी लगाकर इसको छान लेंगे। इसको हम धीरे धीरे छान लेंगे ताकि इसका जितना भी पल्प है वो नीचे ना जाने पाए। अब इस पल्प को हम एक बार और पीस लेते हैं।
अभी अच्छे से छन चुका है और इस गाढ़े गाढ़े पल्प को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे तरबूज का रस निकल चुका है, इसमें किसी भी तरीके का पानी बिल्कुल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसमें नमक को ज़रूर टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक और डालूंगी, सादा नमक नहीं डालना है। थोड़ा ये जीरा नमक डाल देंगे और एक बार अच्छे से इसको हम चला देंगे। दोस्तों एक बार इसको हम और छानेंगे तो हम जार लेंगे और उसमें इसको फिर से छान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना फिर से इसमें गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकला है जिसको हम बाहर कर देंगे। अब हमारा तरबूज का शरबत बनके तैयार हो चुका है, अब इसको हम सर्व करते हैं। अगर आप इसको बहुत ठंडा पीना चाहते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, बट मैंने आइस क्यूब नहीं डाला है। अब ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा ये पुदीने की पत्ती डाल देंगे जिससे ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये तरबूज का शरबत बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा शरबत है और दिन भर ये हमको पीने के बाद एनर्जी देता है, शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। कोशिश यही कीजिए कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका शरबत पीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।